अपने फिल्म जगत में एक से एक कलाकार अपने अलग चाल और ढंग के लिए लोकमान्य है, और उन भूले बिसरे कलाकारों की याद आप तक पहुंचाने में हम लगे हैं। मैं अनामिका लौट आई हूं उस हस्ती की कहानी लेकर जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गरीब हुए दुख भरी माँ का किरदार निभाया नहीं, मतलब उन्होंने अब तक जितने भी माँ के किरदार निभाए हैं वो सभी अमीर रहन सहन वाले माँ के किरदार हैं। कुछ समय के लिए आप भी चौंक गए होंगे कि मैं किस हस्ती की बात कर रही हूँ, पर मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। वो कलाकार हैं सुषमा सेठ। अगर आपको भी ये जानकारी पता नहीं थी तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें। दोस्तों, सुषमा जी का जन्म दिल्ली में 20 जून 1936 में हुआ है। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम चारू सीजा माथुर है, जो भारत की प्रसिद्ध मणिपुरी लोक नृत्यका है। सुषमा जी बताती हैं कि उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां कला के क्षेत्र में हमेशा प्रोत्साहन मिलता हो। उनके पिताजी का नाम रामेश्वर दयाल है, जो एक स्पोर्ट्समैन थे, और माताजी का नाम प्रकाश रानी है। मात्र 5 साल के उम्र से सुषमा जी ने क्लासिकल संगीत का अध्ययन शुरू किया था। सुषमा जी को आपने 70 के दशक में बड़े पर्दे पर देखा होगा, पर वो फिल्म जगत से 50 के दशक से जुड़ी हुई थी। दरअसल अमेरिका और दिल्ली में उच्च शिक्षा पाने के बाद वो थिएटर से जुड़ गई, क्योंकि उनके परिवार के कुछ सदस्य स्टेज से जुड़े हुए थे। खूब सारे स्टेज शोज करने के बाद उन्होंने जॉय माइकल, रति बैथलोमेव, रोशन सेठ के संग एक थिएटर ग्रुप यात्रिका का उद्घाटन 1964 में किया था। 1975 तक सुषमा जी जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट बन चुकी थी। इसी दौरान उन्हें अपने जीवन की पहली फिल्म मिली। समांतर फिल्में बनाने के लिए मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल साहब ने उन्हें अपनी फिल्म जुनून में पहला रोल ऑफर किया। 1970 की इस फिल्म में सुषमा जी शशि कपूर की चाची के किरदार में दिखती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सुषमा जी की जवानी थिएटर में गुजरी, और जब वो 42 साल की हुई तब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि इतना दायरा गुजर जाने के बाद कम से कम समय में प्रसिद्ध होने वाले कलाकारों की सूची में सुषमा जी का नाम भी आता है। वो ऐसी कलाकार हैं जो 42 साल के उम्र में डेब्यू कर अभी तक प्रसिद्ध के झोंके में जी रही हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। उनके समझदार व्यवहार के चलते फिल्म निर्माताओं ने माँ और दादी माँ के किरदार के लिए उन्हें उचित समझा, पर उनके द्वारा निभाए गए सभी किरदारों में से माँ वाले ज्यादा से ज्यादा किरदार अमीर और खानदानी किरदार थे। मतलब फिल्म जगत की टिपिकल माँ जो हमेशा दुख भरी स्थिति में जीती है और उसके घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती, इस तरह के किरदार सुषमा जी ने कभी नहीं निभाए। सिलसिला 1981, प्रेम रोग 1982, तवायफ 1985, राम तेरी गंगा मैली 1985, नगीना 1986, चांदनी 1989, दीवाना 1992, कभी खुशी कभी गम 2001, कल हो ना हो 2003, इन प्रसिद्ध फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए माँ और दादी के किरदार आज भी लोकप्रिय हैं। देख भाई देख और हम लोग जैसे मज़ेदार टीवी सीरीज में भी सुषमा जी प्रसिद्ध रही हैं। अभिनय के अलावा सुषमा जी बेहतरीन लेखिका भी हैं। उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है स्टेज प्ले द जर्नी ऑफ एन एक्टर। अभिनय और कला सुषमा जी में कूट कूट कर भरा है, पर समाज कल्याण के हेतु वो हमेशा आगे रहती हैं। सुषमा जी के पति का नाम ध्रुव सेठ है, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हुए, कवि सेठ, प्रिय सेठ और दिव्या सेठ। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।